काल कोठरी में बंद करने के बाद उन लोगों की मौत हो गई, और उन लोगों के मौत की खबर सुन के मद्रास यानी कि चेन्नई से एक छोटी सी आर्मी कंपनी की तरफ से भेजी गई कि जिसका नेता था रॉबर्ट क्लाइव, कि जो कोलकाता टीसी यानी कि ट्रेड सेंटर को मदद करने के लिए आ पहुंचा। आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत जो थी वो बहुत ही मजबूत थी, बट उनको ये चीज़ भी मालूम थी कि नवाब को हराना इतना ईजी नहीं था, दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। सो वॉट रॉबर्ट क्लाइव वॉज डूइंग ही मेड वन ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब साजिश। उसने एक साजिश बनाई कि अगर नवाब को हराना है तो सीधी तरीके से नहीं हरा सकते, बिकॉज द नवाब हैज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन हिज आर्मी। सो अ कंस्पायरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब। एक षड्यंत्र रचा गया नवाब के विरुद्ध में। कैसा षड्यंत्र? नवाब की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ था यानी कि सेनापति था मीर जाफर, और उसके बहुत नज़दीक के एक व्यापारी थे सेठ हमीचंद। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसका संपर्क किया कि भाई मैं नवाब के खिलाफ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, और एक उसके सामने कंडीशन रखी कि भाई मीर जाफर आप कमांडर इन चीफ हो नवाब के, आप हो सेनापति, आपका काम है सेना को संभालना, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बंगाल का नवाब बना सकता हूँ, मैं आपको बंगाल का नवाब बना सकता हूँ, तो क्या आपको ये शर्त मंजूर है? अभी सीधी सी बात है, सेनापति में से किसको राजा बनना अच्छा नहीं लगेगा। तो मीर जाफर ने ये ट्रेचरी को कर लिया एक्सेप्ट। अभी ट्रेचरी क्या थी आगे मैं बताऊँगा आपको, और सेठ हमीचंद ने भी उसके साथ, अभी देखो राजा बनने वाला था मीर जाफर तो उसके पक्ष में ही रहना मुनासिब था, व्यापारी था सेठ हमीचंद तो वो भी उसके साथ जुड़ गया। अभी देखो दोनों ने हाथ मिला लिए, मीर जाफर और सेठ हमीचंद ने, किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बहाना बनाया एक, यहाँ पे देखिए सभी लोग, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज अननेसेसरीली हैरेसिंग द पीपल अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट अ ग्राउंड नियर विलेज नेम प्लासी। प्लासी के नज़दीक लोगों को गलत तरीके से हैरान करने के बहाने के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने वॉर डिक्लेयर कर दी। अ बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 AD। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई अगर आपको पूछा जाए तो 1757 की 30 जून को। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ साल याद आपको रखनी है। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, यानी कि प्लासी नाम का जो प्लेस था इट वॉज सिचुएटेड नियर दी वेस्ट बंगाल, द सिटी नेम मुर्शिदाबाद, एंड द प्लासी इज 38 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी मुर्शिदाबाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट दी बैटल। अभी ट्रेचरी क्या थी देखिएगा, यहाँ पे मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि इफ यू ज्वाइन हैंड्स विथ मी आई विल मेक यू दी नवाब ऑफ बंगाल। सो मीर जाफर कोएक्स्ड विद दी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के साथ उसने हाथ मिला लिए। एंड व्हेन दी बैटल वॉज स्टार्टेड देन द मीर जाफर पुट डाउन हिज वेपन। तो उसने तो शरणागति ले ली, उसने तो पीछे हट कर ली मीर जाफर ने। लेट मी टेल यू कि कई जगह पे आपने मूवी देखी होगी कि जिसके अंदर सेना युद्ध लड़ रही है तो उसका जो सेनापति है वो ही अगर शस्त्र नीचे डाल दे या तो वो हार जाए या तो उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरी सेना पीछे हट कर लेती है। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, आई नो। ठीक है, तो हुआ ये कि जब भी युद्ध करने के लिए उतरे मीर जाफर तो किसके साथ था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। लेकिन हुआ क्या, नवाब जो बंगाल का था वो हार गया, सिराजुद्दौला। क्यों? मीर जाफर ने युद्ध में जैसे ही उतरे युद्ध करने के लिए तो मीर जाफर ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए कि भाई मैं इसके सामने नहीं लड़ सकता। तो अभी राजा थोड़ी ना सेनापति है, राजा को युद्ध कौशल्य नहीं मालूम होता, वो तो स्ट्रेटजी बनाता है। लड़ने के लिए तो सेनापति जाते हैं, तो सेनापति ने ही हार मान ली तो उसकी सेना ने भी हार मान ली, और आधे दिन में ही ये बैटल हो गई ख़त्म। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। समझ में आया सभी लोगों को?
द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। इस बैटल के एंड में कंपनी को 24 परगना, तभी के टाइम का जो ज़मीनी नाप था उसके हिसाब से 24 परगना की ज़मीन कंपनी को हासिल हुई। देखो अभी कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन अभी उसका प्लान क्या बन गया, राजा को हरा के जीतना। दे केम फॉर ट्रेडिंग एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू रूल ओवर दी स्मॉल स्मॉल कंस्टिट्यूएंसी। ये पहला प्रयास था, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। जैसे कि ट्रेचरी थी कि अगर मीर जाफर उसके पक्ष में, रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में रहेगा तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। थस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। कंपनी के रूल का फाउंडेशन यहीं से ही स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशरों ने अपना राज, उसको ऐसा महसूस हुआ कि हम भी राज कर सकते हैं, तो वो राज करने के लिए सबसे पहली इमारत जो है वो, उसकी बुनियाद जो है वो रची गई बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 1757 में। समझ में आया सभी को? सो दिस वॉज द बैटल ऑफ प्लासी। ये पहला प्रयास था कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर रूल करने की सोची और शुरुआत की, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों बैटल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ ली, 1757 के अंदर हुई, सिराजुद्दौला नवाब था, रॉबर्ट क्लाइव, सेठ हमीचंद और मीर जाफर ने ट्रेचरी बनाई। मीर जाफर ने जब भी लड़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उसने पीछे हट कर ली, मतलब उसने स्टेप बैक कर लिया, तो वो सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हार गया तो जैसे कि ट्रेचरी के अकॉर्डिंग मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और 24 परगना की जो ज़मीन है उसका जो राइट्स है वो सौंप दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। अभी देखिए, जीता था रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर नहीं जीता था, दिमाग में रखिएगा ये चीज, बी स्मार्ट। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही उस्ताद था अपनी ट्रेचरी के अंदर, क्योंकि मीर जाफर था किसकी साइड में, सिराजुद्दौला की साइड में, मतलब वो उसकी साइड से लड़ रहा था, लेकिन वो हारा। मीर जाफर हार गया, जीत गया रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी जो जीतेगा वही डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा। जैसे ट्रेचरी के अकॉर्डिंग मीर जाफर को राजा तो बना दिया, लेकिन अगर वो चाहे तो राजा की ओर से निकाल भी सकता है। ठीक है, तो यही है बैटल ऑफ बक्सर की कहानी, आइए चलिए देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट, अलग अलग बहाने, ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। मीर जाफर को नवाब बना दिया, अभी वो एक चाबी वाला टॉय हो गया मीर जाफर, कि अंग्रेज जैसे चाबी भरते थे उस तरीके से उसे चलना था, क्योंकि मीर जाफर हारा था रॉबर्ट क्लाइव जीता था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जैसे कहे वैसे उसको करना था। ठीक है,